मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले मेले की तैयारी बैठक मंडलायुक्त जयंत नालिकर की अध्यक्षता में गोरखनाथ मंदिर स्थित अस्थायी कैंप कार्यालय में संपन्न हुआ। बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि जो सड़क निर्माण कार्य चल रहे हैं उसे 10 जनवरी तक पूरा कर लें। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के मेला के दृष्टिगत पार्किंग व्यवस्था, अलाव एवं सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि संपूर्ण मेला क्षेत्र की निगरानी CCTV से भी कराई जाए, इसके साथ ही पुलिस भी जगह जगह तैनात रहे। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि मकर संक्रांति मेले के आने वाले श्रद्धालुओं के जूता चप्पल रखने के लिए स्थान चिन्हित किया जाए, जिससे लोग अपना जूता चप्पल वहीं रखें। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले के विभिन्न स्टालों द्वारा प्रयोग की जा रही विद्युत वायरिंग की जांच कर ले, जिससे कोई घटना न होने पाए तथा कोविड के प्रोटोकॉल शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराया जाए। बैठक में DIG राजेश डी मोदक, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, SSP जोगेंद्र कुमार, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, ADM सिटी RK श्रीवास्तव, अपर आयुक्त प्रशासन अजयकांत सैनी, CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद तिवारी, मुख्य अभियंता विद्युत देवेंद्र सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए IG व DIG राजेश डी मोदक ने कहा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा खिचड़ी मेला की तैयारी चल रही है, तो उसी के निर्देश में और कमिश्नर साहब देने के लिए आए थे, तो जो जो कमियां थी उसके बारे में हमने निर्देश दिया।